और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करता है। हमारे महान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है हमारा संविधान। A short while from now, President Ram Nath Kovind will arrive at Rajpath. The national anthem will be played to the booming of the 21-gun salute presented by the 2281 Field Battery under the command of Lieutenant Colonel C. Sandeep. Gadatantra Divas, hamara rashtriya parv, har Bharatvasi ke liye garv aur gaurav ka avsar. गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को देश के कोने कोने तक पहुंचाने और उसे उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए दूरदर्शन सदैव प्रयासरत रहा है। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड के जीवंत और सजीव प्रसारण के लिए भी दूरदर्शन ने खास इंतजाम किए हैं और पहली बार राजपथ तथा इंडिया गेट के बाद के परेड के दृश्य आप तक पहुँचाने के लिए विशेष कैमरे लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक की गणतंत्र दिवस परेड की हर गतिविधि आप तक पहुंचाने के लिए 37 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 17 कैमरे केवल राजपथ पर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इनमें से 2 कैमरे जिमीजिप पर लगाए गए हैं, जबकि गुणवत्तापूर्ण प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए एक कैमरे में 180 डिग्री फिश आई लेंस का इस्तेमाल हो रहा है। सलामी मंच और इसके तीनों तरफ से परेड के स्पष्ट प्रसारण के लिए विशेष तौर पर रिमोट कंट्रोल से संचालित PTZ कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐतिहासिक इंडिया गेट पर 8 कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें से एक कैमरा जिमी जिप पर और एक कैमरा विशेष रूप से स्थापित क्रेन पर लगाया गया है। इंडिया गेट के ठीक ऊपर स्थापित 2 कैमरों से पूरे राजपथ का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को और बेहतर बनाने के लिए दूरदर्शन ने पहली बार परेड के पूरे मार्ग पर 6 विशेष कैमरे लगाए हैं। पटियाला हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ITO, दिल्ली गेट, दरियागंज और लाल किले के पास स्थापित इन कैमरों से परेड दर्शकों तक पहुंच सकेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन पर भी 6 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें विशेष तौर पर राष्ट्रपति भवन के गुंबद के ऊपर स्थापित कैमरे तथा नॉर्थ ब्लॉक स्थित बुर्ज पर स्थापित कैमरे से बेहद खूबसूरत दृश्य आप तक पहुंच सकेंगे। ये सभी 37 कैमरे हाई डेफिनेशन OB वैन से जुड़े हुए हैं। राजपथ पर विशेष रूप से बनाए गए प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से गणतंत्र दिवस समारोह के सुचारू प्रसारण को सुनिश्चित किया जा रहा है। दूरदर्शन के 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों ने पिछले लगभग 3 महीने के अथक परिश्रम तथा अलग अलग विभागों के सहयोग से गणतंत्र दिवस समारोह का निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण प्रसारण सुनिश्चित किया है। गणतंत्र दिवस समारोह प्रसारण का समग्र प्रभार श्रीमती दीपा चंद्रा, इंजीनियरिंग इंचार्ज SN सिंह, प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता SS भक्कू। नई उमंग से भरा है आज भारत, लिखने चले हैं हम सफलता की नई इबारत। एक एयरपोर्ट जो ख्वाबों को नई मंजिलों तक ले जाए, एक हाईवे जो व्यापार को नए पंख लगाए, सफल भारत की नींव रखें, चलो देश बनाए। बेबाक बुलंद बढ़ते हैं हम, सुनहरा समृद्ध कल हमारा है, ये वादा वादे से ज्यादा है। टाटा हिताची, चलो देश बनाए। बच्चन जी। बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ कुली की। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। गलत जवाब। हाँ? वहाँ पर हरिया जी
घर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर सुनिए बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है, तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए। जब हमें पता हो कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, जब हमें दिख रहा हो कि हमारा पैसा तकनीक हो या विज्ञान, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, अनेकों क्षेत्रों में अवसरों के नए आयाम खोल रहा है, जब हमें सुनाई दे रहा हो कि भारत की तरक्की की गाथा पूरे विश्व में गूंज रही है, तो विश्वास होता है कि हमारा इनकम टैक्स सही जगह जा रहा है, देश हमारी भागीदारी हमारे आयकर से प्रगति की राह पर बढ़ रहा है, कैशलेस अर्थव्यवस्था में डिजिटल माध्यमों से पारदर्शी हो रहा है। तो आइए शपथ लें कि ईमानदारी का उत्सव हर दिन मनाएंगे और सही से व समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके स्वच्छ धन अभियान से जुड़ जाएंगे। खुशी मनाओ घर में, अब तो बिटिया है आई, बायोस्कोप के संदूकों से नए रंग है लाई, बचपन में उसकी हंसी में सुर सारे खुल जाए, बड़ी जो होवे तो प्रगति के सारे द्वार खुल जाए, तू करे जो कल्पना जेबों में चांद भर लाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, बेटी जो पढ़ जाए दुनिया को रोशन कर जाए, सानिया से सायना दुनिया में नाम कर जाए, घर की बेटी भारत माँ की आन बान बन जाए, राजनीति हो या ग्रस्ती सब में अव्वल आए, बेटी जो बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। शेर 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 आया, शेर 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 सुन लिया, अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए एक और बकरा। लाखों ग्रामीण युवाओं की मेहनत ले जा रही है देश को प्रगति की राह पर। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU-GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित, AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। These live pictures of India Gate. In a few minutes, in memory of the Amar Jawan, there'll be a ceremonial here, brief but very emotive, marked by remembrance and solemnity, and the silence broken now and then only by the word of command. We have an inter-services guard of honor under Lieutenant Colonel M. David A. Singh of 5-1 Gorkha Rifles. Major Ram Chandra Thapa leads the army contingent. The naval contingent is led by Lieutenant J. Pinto and the Air Force contingent by squadron leader Sumanth Kumar. India Gate sthit Amar Jawan Jyoti par सेना के तीनों प्रमुखों का आगमन हो चुका है।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। माननीय प्रधानमंत्री, आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष रामराव भामरे, रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा उपस्थित अमर जवान ज्योति पर। And under the arch of India Gate, a reminder, a symbol, powerful, silent and shorn of all frills, a reversed rifle standing on its barrel and crested by a soldier's helmet, symbolizing the immortal soldier. Fire sacred and pure, the flames offering a prayer silently, radiant and strong, symbolic of the flame of gratitude that lives in our hearts forever. Giving heart to stone. At the base of this golden letters, Amar Jawan, he who lives forever. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का काफिला अमर जवान ज्योति इंडिया गेट की ओर अग्रसर होता हुआ, यह विहंगम दृश्य, अमर जवान सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक शहीद सैनिकों के। An inter-services guard of honor positioned here. Brave and dedicated men in uniform guarding our borders over frozen heights and black moonless nights and bearing the scorching gaze of a sun ablaze. Maniya Pradhan Mantri Mahoday Shri Narendra Modi ka agaman India Gate sthit Amar Jawan Jyoti par. अफगानी की है श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री हैं, साथ में रक्षा राज्य मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख। Greeted warmly by the Defence Minister, the Prime Minister about to lay the wreath, and then the buglers will sound the last post, which will be followed by 2 minutes of silence. Words fall short, language can never reveal the deep gratitude and reverence we feel. Eyes closed, head bowed, silence says all that's there to be said. Sonar! Sonar!
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए राष्ट्र का अमर जवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। Time leaves us with many things, stories, memories and heroes. And here, under the arch of India Gate, courage and valor color the movements. The completion of the two-minute silence and Prime Minister Narendra Modi penning his reflections in the book here at India Gate. And today, as we take a look at our achievements, we do so with reverence and respect for the brave soldiers who laid down their lives for the nation and pay homage at the memorial here at India Gate. Prime Minister Narendra Modi taking his leave from India Gate. देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने उद्गार उन्होंने वहां पुस्तिका में भी दर्ज किए। हम निश्चिंत घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि हमारे जवान देश के लिए जागते हैं, उनकी वीरता और साहस के कारनामे प्रेरणा स्रोत हैं। ये वीर जवान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। प्रधानमंत्री अब इंडिया गेट से राजपथ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। Today is marked especially for the unprecedented presence of our chief guests, leaders of 10 ASEAN countries. The ASEAN-India partnership focuses on peace, progress and shared prosperity for the people of the region. India also celebrates a partnership of 25 years of the ASEAN-India dialogue. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी आसियान 10 राष्ट्रों के समूह वाले इस संगठन में पिछले 2 दशकों में आसियान भारत संबंधों ने कई मकाम हासिल किए हैं। भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो बीते 25 सालों से आसियान देशों के साथ बातचीत के जरिए कई मामलों में केंद्र में रहा है। भारत आसियान का प्रमुख भागीदार देश है और दोनों मिलकर विश्व का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र बनाते हैं। भारत आसियान संबंधों का भू राजनीतिक और सामरिक महत्व भी है। दक्षिण चीन सागर में नौ संचालन की स्वतंत्रता बनाए रखना, नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भी आसियान भारत के लिए बेहद अहम है। अब आसियान और भारत सिर्फ सामरिक सहयोगी ही नहीं है बल्कि उन्होंने आपसी व्यापार को भी कई गुना बढ़ाया है। आसियान के 10 देश और उसके 6 सहयोगी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते को हकीकत बनाने की दिशा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आसियान और भारत के बीच ज्यादातर व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। इन समुद्री इलाकों को अब एशिया प्रशांत की जगह भारत प्रशांत क्षेत्र कहा जाने लगा है। ये नाम अमेरिका की तरफ से दिया गया है जिससे भारत को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। ১৯৬৭ में बने आसियान के 2017 में 50 वर्ष पूरे हो गए। फिलीपींस की राजधानी मनीला में पिछले वर्ष हुए आसियान सम्मेलन में भारत ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। आज 69वें गणतंत्र दिवस पर आसियान के 10 देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से उम्मीद बढ़ती है कि भारत आसियान का ये सुनहरा सफर आगे और मजबूत होकर एक नई इबारत लिखेगा।
राजपथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। सलामी मंच के ठीक सामने गतिविधियों का मंच बदलता हुआ आप सबकी निगाह सलामी मंच के सामने राजपथ पर है, जहां एक एक करके गणमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। After India Gate, the focus now on Rajpath and the Prime Minister, Mr. Narendra Modi's arrival here. His fleet of shining black vehicles slowly inching to a halt at the point from where he'll alight from his car. Prime Minister, Mr. Narendra Modi, now being received by the Defence Minister, Mrs. Nirmala Sitharaman, and the crowds going up in a cheer. Being presented to the three service chiefs, General Bipin Rawat, Admiral Sunil Lamba, and Air Chief Marshal B.S. Dhanoa. The Minister of State for Defence, Dr. Subhash Ramarao Bhamre. जबरदस्त उत्साह यहां जनसमूह में प्रधानमंत्री के आगमन पर। एक यादगार गणतंत्र दिवस समारोह के ये शुरुआती दृश्य हैं। बेहद उत्साह और जोश यहां जनसमूह में। The atmosphere fully charged with anticipation, eagerness, and the pure joy and pride that the Republic Day celebrations are synonymous of. A look of sheer delight on all these faces as they welcome the Prime Minister, exuberant and ever so pleased to express their love and deep admiration. उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन, उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और इधर राष्ट्रपति भवन के ये दृश्य जहां से माननीय रामनाथ कोविंद अब कुछ ही समय में प्रस्थान करेंगे सलामी मंच की ओर। A stupendous shot of Rashtrapati Bhavan, its sandstone edifice beautifully offset by the bright orange-red hues of the gravel. It's from here that the President is now about to leave for Rajpath. He'll be driven in state, escorted by the President's bodyguard, in what is a brilliant and spectacular ceremonial. President will now be escorted to his car. As President Ram Nath Kovind leaves the forecourt of Rashtrapati Bhavan to arrive here at the saluting base, we are deeply honored
It's important to remember that today is memorable on account of the unprecedented presence of the 10 ASEAN leaders who will be amidst us today as the chief guests to honor the day. And our first chief guest, His Excellency, Dr. Thong Luan Sisulut, the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. India and Lao PDR have enjoyed ancient ties of close friendship and cooperation. In fact, post the establishment of official diplomatic relations in 1956, the two nations have grown closer in every sphere, with bilateral and trade relations steadily increasing. In fact, 2017 was a significant year for ASEAN and ASEAN-India relations. While ASEAN celebrated 50 years of its existence, we celebrated 25 years of the ASEAN-India dialogue partnership. Prime Minister Shri Narendra Modi, waiting the arrival of our other esteemed chief guests. This is the arrival at the saluting base of our second chief guest, His Excellency Nguyen Yuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. India and Vietnam celebrated 2017 as the year of friendship, commemorating the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations and the 10th anniversary of their strategic partnership. In fact, it's a very, very proud moment because Prime Minister Phuc hosted Prime Minister Narendra Modi during his historic official visit to Vietnam in September 2016. Desh ka 69va Ganatantra Divas avismaraniya aitihasik avsar jab 10 ASEAN deshon ke rashtradhyaksh हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बन रहे हैं. जन जन में उल्लास उमंग सबके चेहरों पर स्पष्ट पढ़ा जा सकता है. हमारी तीसरी सम्मानित अतिथि म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची का आगमन हो रहा है. सलामी मंच पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका स्वागत. 1991 में महामहिम आंग सान सूची को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे, विशिष्ट अतिथिगणों का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्र राज्य के क्षितिज पर सुनहरे कल की लालिमा के साथ एक नए सूर्योदय का परिचायक हमारा गणतंत्र दिवस. विशिष्ट अतिथि दीर्घा, देश के गणतंत्र दिवस के चौथे सम्मानित अतिथि थाईलैंड अधिराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम जनरल प्रायुट चानोचा का आगमन हो चुका है. आप राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था परिषद के प्रमुख भी हैं और थाईलैंड में इनकी देखरेख में पिछले वर्षों में शांति और समृद्धि के नए अध्याय लिखे जा चुके हैं. Our fifth chief guest, His Excellency Dato Sri Mohammed Najib bin Tun Abdul Razak, the Prime Minister of Malaysia, alighting from his car. Prior to being the Prime Minister, His Excellency was appointed as the Minister of Culture, Youth and Sports and has since held portfolios of Defence, Education and Finance. Warm greetings there by the Prime Minister. और इधर
रायसीना पहाड़ी से सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ राष्ट्रपति का काफिला। Our sixth chief guest, His Excellency Li Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, being greeted by Prime Minister Narendra Modi. India-Singapore ties have strategic, political, economic, and cultural dimensions. President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, now being escorted in state towards Rajpath. साम्राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम समदेक देचो हुनसेन का आगमन हो रहा है। महामहिम हुनसेन 1985 से सत्ता में हैं और संसार में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री बने रहने वालों में से एक हैं। प्रधानमंत्री महामहिम समदेक देचो हुनसेन में आपके अमूल्य कार्यों के लिए विश्व शांति अकादमी के द्वारा आपको विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत और कंबोडिया के बीच वर्षों पुरानी दोस्ती है। सम्मानित अतिथि फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोड्रिगो रोआ दुतेर्ते, उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और फिलीपींस के द्विपक्षीय संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में गुणात्मक बदलाव आए हैं। फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोड्रिगो रोआ दुतेर्ते। And here, at the saluting base at Rajpath, Prime Minister Shri Narendra Modi welcoming our 10 very special invitees, the heads of the ASEAN states, and everybody now welcoming our 9th chief guest, His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. In fact, the state visit of President Joko Widodo to India in December 2016 re-energized the overall bilateral cooperation agenda and elevated our strategic engagement that spans across defense, security, investments, education, capacity building, and renewed cultural bonding. The ASEAN-India partnership focuses on peace, progress, and shared prosperity for the people of the region. Together, ASEAN and India have contributed to regional growth and stability. And in fact, Prime Minister Narendra Modi has reaffirmed India's desire to deepen this engagement by stating that the India-ASEAN partnership may scale new heights and constitute a defining partnership of our times. And now, arriving at the saluting days, our 10th chief guest, His Majesty, the Prime Minister of Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, greeted warmly by Prime Minister Modi. This year, President Ram Nath Kovind will, for the first time, take the salute at the parade.
In fact, with a long and enriching career in governance and public life, he continues a tradition of illustrious leadership. Leadership, which is critical for leading a country towards growth and progress. पहला अवसर है मन में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो परिस्थितियां कभी बाधक नहीं बनती इसका सफल उदाहरण है देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात क्षेत्र में 1 अक्टूबर 1945 को एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले रामनाथ कोविंद की राह आसान नहीं थी घर के हालात ठीक नहीं थे और स्कूल जाने के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की समाज के कमजोर वर्ग की मुश्किलों को नजदीक से समझने वाले रामनाथ कोविंद ने इनके लिए कुछ करने की सोच के साथ 1991 में राजनीति में प्रवेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए ये भाजपा के दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे 1994 से 2006 तक ये लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे 2010 के बाद इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया 2015 में रामनाथ कोविंद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए इन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया इसके बाद 25 जुलाई 2017 का वो ऐतिहासिक दिन भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ जब रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने एक गांव में रहने वाले छात्र का भारत के प्रथम व्यक्ति बनने का सफर करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहा है These are the combined military bands led by Subedar Chinnadurai K, assisted by Naib Subedar Sajju KK. The bands are from 3MEA EMA Center and ASC Center South. A wonderful creative representation in flowers at the base of our national emblem. The combined pipes and drums are led by Subedar S.P. Chaurasia. The arrival now of Mrs. Savita Kovind. President of India. The President of India, Ram Nath Kovind, now already on Rajpath, his motorcade gliding along with the resplendent escort of his bodyguard, led by Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Bomanda Dhiraj Chengappa. The second in command on the left of the president's car is Lieutenant Colonel Dhananjay Harsh Dravid on his charger, Vikrant, leading the front escort division, Risaldar Major, and Honorary Lieutenant Gokul Singh astride Gadgor, and the rear division commanded by Risaldar Dharminder on Voyager. Risaldar Baljeet Singh carries the regimental colors on his horse Ronak, and the president's trumpet and banner are carried on a grey steed.
resplendent ceremonial arrival in state of the President of India, Mr. Ram Nath Kovind, as he arrives here for India's 69th Republic Day celebrations. Respected Rashtrapati ji, Ramnath Kovind being received and greeted very warmly by Prime Minister Narendra Modi. The President of India being received by the Prime Minister Shri Narendra Modi. Prime Minister, being presented to the three service chiefs. The President now being escorted to the presidential enclosure, from where he'll take the salute as the Supreme Commander of the Armed Forces. Our honored chief guests from 10 ASEAN nations are already in the enclosure from where they'll view the parade. Prime Minister Narendra Modi escorting the President of India. And the floral decorations enhancing the beauty of each step that leads to the VIP enclosure. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों का अभिवादन स्वीकार करते हुए द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड ऑलरेडी इन पोजीशन फॉर द नेशनल सैल्यूट कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला भारतीय वायुसेना सुरक्षा मरणोपरांत
कार्पोरल ज्योति प्रकाश निराला एक विशेष गरुड़ बल यूनिट की तैनात नफरी पर थे जो जम्मू कश्मीर में विद्रोह गतिविधियों के खिलाफ ऑपरेशन रक्षक के तहत राष्ट्रीय राइफल बटालियन के साथ सक्रिय कार्रवाई से जुड़ा था। 18 नवंबर 2017 को विशिष्ट तकनीकी आसूचना के आधार पर चंदरगेर गांव में संयुक्त रूप से एक धावा बोला गया। कार्पोरल निराला ने असाधारण साहस और सटीक युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए आतंकवादियों के निकल भागने की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया। तभी संदिग्ध मकान में छिपे 6 आतंकवादी दल पर गोलीबारी करते और हथगोला फेंकते हुए बाहर की ओर भागे। अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए काने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया तथा 2 अन्य को घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद उन्होंने जवाबी गोलीबारी जारी रखी जिसमें सभी 6 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया। बाद में गोलियों की घातक चोट से वे वीर गति को प्राप्त हो गए। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला ने आतंकवादियों के साथ लड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की पत्नी श्रीमती सुषमनंद, साथ में है उनकी माता जी श्रीमती मालती देवी। Time stands still and the nation bows in tribute. Poignant moments that evoke thoughts from the Upanishads. Not by action, not by progeny, not by wealth, but by sacrifice alone can the goal of immortality be achieved. Thoughts that are eternal and timeless, echoing sacrifice of the highest order. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले हमारे अमर जवानों को नमन। भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ था जब भारतीय गणतंत्र का जन्म हुआ। In history's distinguished pages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the nation, we are the force, we are the strength, we change history's course. Ladies and gentlemen, look towards Rajpath. Arriving 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर भारत को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। और अब शुरू हो रही है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की गणतंत्र दिवस परेड। और इस वर्ष परेड का नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन में आज की परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया, युद्ध सेवा मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया हैं आज की परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया। Commanding
असाधारण वीरता और पराक्रम के नए शिखर छूने वाले इन वीरों और परम वीरों का स्वागत कीजिए। सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन माना सिंह सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, नायब सूबेदार संजय कुमार, और अशोक चक्र से सम्मानित हैं मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार ऑनररी चेयरिंग उत्तप सेवानिवृत्त श्री गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र शांतिकाल में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। And as Rajpath resonates to bravery, valor, and sacrifice, we can hear the marching tunes that are now going to be the signature of the parade for some time. The first contingent coming, going past the saluting base, bearing the ASEAN and 10 ASEAN countries' flags. And the flags are being carried by a contingent of Rajputana Rifles Regiment of the Indian Army, led by Subedar Adu Ram Jangu of 2 Rajputana Rifles. And right behind them, marching smartly, the Indian Army band drawn from 39 Gurkha Training Center and 1 EME Center, led by Subedar Ram Krishna Damai and Naib Subedar M. Chandradat, marching to the tune of Colonel Boogie. And now the camera brings you the first shots, the first contingent, smartly mounted on horses, coming towards the saluting base. The 61st Cavalry, led by Captain Dipanshu Shuran, attired in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers. Ashvashakti Yashubal, meaning horsepower, is forever supreme, is their motto. Of the hooves, the rumble of the tanks, the main battle tank of the Indian Army, the T-90 Bhishma, led by Captain Sandeep Vashisht of 19 Armoured Regiment, a highly versatile armoured fighting vehicle. T-90 of Bhishma is fitted with thermal imaging system, NBC protection system and fire control system. Knowledge, humility and valour is their motto of the regiment. गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, जिसका मंच बनता हुआ राजपथ, आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता देश की सैन्य शक्ति को दर्शाते हुए अत्याधुनिक हथियार, देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरीके से चुस्त, मुस्तैद, सतर्क। अगला दस्ता इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल 12 गार्ड्स के BMP-2 का, नेतृत्व कैप्टन अर्पित उपाध्याय। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। शौर्य, पराक्रम, असाधारण वीरता के अनेकों अध्याय लिखे हैं भारतीय सेना ने। राजपथ पर अगला दस्ता 881 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस सिस्टम का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मेघराज यादव। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, सर्वत इज्जत ओ इकबाल। जब हर भाई से लव किया जा सकता है, रेजिमेंट का आदर्श वाक्य।
सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ अगला दस्ता हथियार खोजी रडार स्वाति का, जो एक स्वदेश निर्मित रडार है। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं 204 साटा बैटरी के मेजर सागर कुलकर्णी। इस बैटरी का गठन 1 मार्च 1966 में हुआ था। बैटरी का आदर्श वाक्य सदा तैयार। राजपथ पर आगे बढ़ रहा अगला दस्ता भारतीय सेना के पुल बिछाने वाले युद्धक टैंक T-72 का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 119 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर एस चंद्रशेखरन सेना मेडल। This is the mobile-based transceiver station led by Captain Vivek Sehrawat of 21 Signal Group. And this is used to provide secure cellular communication in far-off regions where there is no means of communication. The motto of the Corps of Signals is Tivra Chaukas. First detachment is the Akash weapon system of 27 Air Defense Regiment, led by Captain Shikha Yadav and Captain Muhammad Yunus Khan. The 27 Air Defense Regiment is the first unit of the Indian Army which is being equipped with the Akash weapon system. And the Akash weapon system is the first indigenously developed air defense system capable of firing short-range surface-to-air missiles against the enemy's aerial platforms. A view of the presidential enclosure from where our dignitaries are viewing the parade. With prayers in their hearts for victory, men move forward. Invoking heaven's blessings, they do their best to reach their sight. Light moments there being exchanged between Prime Minister Modi and his guests. Moves towards India Gate from Rajpath. And now this is a splendid sight and the sound of the exuberance of martial music, the marching contingents. The first marching contingent is the Punjab Regiment, which has the unique honor of being the second highest decorated regiment of the Indian Army, led by Lieutenant Ravi Kant Sharma of 15 Punjab. The motto of the regiment is by land or sea, and the war cry, Jo Bole So Nihal Sat Sri Akal. Thank you.
66 बैंड वादकों का संयुक्त दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार उमा कुमार और नायब सूबेदार राजेंद्र सिंह, और बैंड धुन बजा रहा है अतुल्य भारत। लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का ये दस्ता इस रेजिमेंट को परंपरागत खेल मलखंब से पहचाना जाता है। आदर्श वाक्य है कर्तव्य मान और साहस। रेजिमेंट की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कैप्टन जितेंद्र पुनिया। युद्ध घोष ज्वाला माता की जय। सेंटर और राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के 66 बैंड वादकों का संयुक्त बैंड नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर मोहिंदर पाल सिंह और सूबेदार आरोग्य स्वामी। ये दल धुन बजा रहा है भारत महान। Going past the saluting base, the Ladakh Scouts Regiment, commanded by Captain Nitesh Pawadia of 4 Ladakh Scouts, with the war cry of the regiment, Kiki So So Lar Gyalo, means victory to God, this regiment is also known as Snow Warriors. Clear, crisp cry. This is the marching contingent of the Regiment of Artillery being led by Captain Ishan Singhal of 311 Medium Regiment. One Victoria Cross, one Ashok Chakra, 7 Mahavir Chakra. Much decorated regiment. Getting foot stamping and finger snapping, the combined band of Rajput Regimental Center and Assam Regimental Center, Gopalpur Ke Veer, is the tune, led by Subedar Major S.K. Sharma and Naib Subedar Kailash Chand. And this is the 123 Infantry Battalion Territorial Army Grenadiers, Lieutenant Amit Kumar Sharma leading the contingent. Savdhani Vashurta, its war cry is Sarvada Shaktishali. सलामी मंच की ओर बढ़ रही अगली झांकी पूर्व सैनिकों की है। भारतीय वायुसेना की ओर से पेश झांकी की थीम है पूर्व सैनिक एन एसेट टू द नेशन।
इस झांकी में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, डीएफसी फील्ड मार्शल एस एच एफ जे मोनिक शाह एससी और भारतीय थलसेना के फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जैसे ख्याति प्राप्त पूर्व सैनिकों को दर्शाया गया है। सेना का ब्रास बैंड, बैंड मास्टर ऑनरी सब लेफ्टिनेंट रमेश चंद्र कटोच के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। सेना का मार्शिंग दस्ता लेफ्टिनेंट तुषार गौतम के नेतृत्व में हमारी समुद्री सेना के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक और सेना के 144 युवा नौसैनिकों के इस दल में सब लेफ्टिनेंट रूपा ए, सब लेफ्टिनेंट स्वप्निल ठाकुर और सब लेफ्टिनेंट सत्यमाया एस शामिल। हर भारतवासी को गौरवान्वित करता देश का 69वां गणतंत्र दिवस समारोह। सलामी मंच के सामने भारतीय नौसेना की झांकी, भारतीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से तैयार सेना, भारतीय नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, ये झांकी में दिखाया गया है। Traversing Rajpath now, the Air Force marching contingent led by Squadron Leader Atul Singh Sekhon, Flight Lieutenant Sindhu Reddy, Flight Lieutenant Manjeet Singh and Flying Officer S. Shruti follow the contingent commander. Melody's sound barrier, this is the Air Force Band led by Junior Warrant Officer Ashok Kumar. Of India Gate, a resplendent parade marching towards India Gate, having traversed Rajpath and having enthralled spectators on both sides. And this is the Air Force Tableaux, Indian Air Force encouraging indigenization. Three women officers, Flight Lieutenant Chanda, Flight Lieutenant Aditi Bali and Flight Lieutenant Amardeep Kaur are part of the Air Force Tableaux. Indian Air Force encouraging indigenization. A DRDO presentation. This is the Nirbhay missile led by Captain Kunal Kumar of 196 Medium Regiment. The Nirbhay missile, indigenously developed, is a long-range subsonic cruise missile
and has the capability of flying at a very low altitude to evade radar detection. स्क्वाड्रन लीडर दक्षेश चौहान के नेतृत्व में डीआरडीओ द्वारा विकसित अश्विनी रेडार मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी अस्त्र प्रणाली अश्विनी रेडार डिप्टी कमांडेंट राहुल बिलानिया कमान संभाल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के इस पैदल दस्ते की। सीमा सुरक्षा बल का बैंड इंस्पेक्टर पंकज एम रावल के नेतृत्व में राजसी वेशभूषा शाही अंदाज सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता डिप्टी कमांडेंट कुलदीप जे चौधरी के नेतृत्व में। दस्ते के सभी जवान 6 फीट से ऊंचे और सबने एक ही बनावट की मूंछें रखी हैं। केसरिया साफा अचकन झालर गोटा ऊंट पर सवार सीमा सुरक्षा प्रहरी सज धज के साथ। Visual images that are going to be imprinted in us today. And here comes the only band of its kind in the world, the Camel Mounted Band of the BSF. Band Master Sub-Inspector Bodhraj is leading these bandsmen who are playing Hum Hai Seema Suraksha Bal. Raised in 1986-87 by the Rajasthan frontier of the BSF, the band is a permanent feature in the Desert and Marwar festival. Visual delight. And from the creativity of color to the strength of simplicity, the Indian Coast Guard marching contingent. Deputy Commandant Ashwini Kumar is leading the marching contingent and is assisted by Deputy Commandant Amit Thani, Deputy Commandant Sweta Rana and Assistant Commandant Naveen Kumar. Going past the saluting base, the Sashtra Seema Bal Band, the SSB Brahma.
brass band under the command of Inspector Ganesh Nath Pandey, playing the SSB song Josh Bhara Hai Seene Mein, Hai Hatheliyon Par Jaan, Hum Hai Sashastra Seema Bal. Following their band, led by Assistant Commandant Nirupesh Kumar, the SSB marching contingent, service, security and brotherhood, their motto. पुलिस का बैंड इंस्पेक्टर दिवाकर प्रसाद नेतृत्व कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का बैंड दर्शकों को रोमांचित करता हुआ राजपथ पर। तिब्बत सीमा पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट हिमवीर दस्ता, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अक्षय देशमुख। सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह। पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत मित्तल के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ रहा है। इस दस्ते में एक राजपत्रित अधिकारी, 3 सब इंस्पेक्टर, 24 हेड कांस्टेबल और 120 कांस्टेबल शामिल हैं। Impeccable presence, it's the National Cadet Corps, the Boys NCC Band, led by Bandmaster Senior Under Officer Yash Yadav. Right behind them, the NCC Senior Division Boys Marching Contingent, led by Senior Under Officer Pavan Singh Popola. Guaranteed to steal everyone's hearts away, the much-loved band of the Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Muskan Agarwal.
Senior Division NCC Girls Marching Contingent under Senior Under Officer Pooja Nikam. These girl cadets have excelled in various adventure activities like mountaineering, rafting, and paragliding. The Senior Division NCC Girls Marching Contingent, ladies and gentlemen. सेना का सामूहिक पायलट और ड्रम बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर अशोक कुमार, सूबेदार मेजर नम बहादुर गुरु और सूबेदार बसवराज। के सामने कंटिंजेंट कमांडर अनुप्रिया धीमान के नेतृत्व में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के 160 स्वयंसेवकों का मार्चिंग दस्ता एनएसएस 1988 से गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा है। टेक्नोलॉजी और कला का खूबसूरत मेल ये दृश्य। राजपथ पर ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की झांकी, आकाशवाणी की आठ दशकों की यात्रा और जन सेवा को दर्शाती ये झांकी। आज है शक संवत 1939 के माघ मास की छठी तिथि, तदनुसार शुक्रवार 26 जनवरी 2018। आप सबको राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। And now from the Ministry of External Affairs, ASEAN. भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को दर्शाती विदेश मंत्रालय की झांकी अब राजपथ पर झांकी के सामने के भाग में नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है और झांकी के पिछले हिस्से में बाली जत्रा को दर्शाया गया है। The front portion of the Tableaux portraying the Mahabodhi temple and the Bodhi tree at Bodh Gaya, where Gautam Buddha attained enlightenment, this is the second ASEAN-India Tableaux. Projecting religion is one of the strongest linkages between India and the Southeast Asia. Approaching the saluting base,
The tableau from Karnataka depicting the wildlife of Karnataka, with one-fifth of its land mass covered by forests, Karnataka is truly endowed with nature's bounty. राजपथ पर आगे बढ़ रही मध्य प्रदेश की झांकी में सांची एक प्रमुख बौद्ध केंद्र को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के अग्रभाग में महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे उनके चारों शिष्यों के साथ ध्यानस्थ दिखाया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाती अगली झांकी त्रिपुरा से, जहां हस्तशिल्प, सौंदर्य, लालित्य कला और उत्कृष्ट संरचनाओं के मनोरम संगम को प्रदर्शित किया गया है। Artistic representations from across India. Next, rural tourism in Uttarakhand. कोई टांडी टाड़ी कुरे डोले चमसे की तेरी तो आई कोई छुपी कोई टांडी टाड़ी कुरे डोले चमसे की तेरी तो आई कोई Every tableau created with such perfection and artistry. Jammu and Kashmir now showcases the livelihood of the state. Chitrakala te ramlila tai uttam sari basoliyo kar kar charkha pashmina te gange
व्यक्तियों की यादें हमेशा प्रेरणा देती हैं। महाराष्ट्र की इस झांकी में छत्रपति शिवाजी महाराज के राजतिलक को दिखाया गया है। 6 जून 1674 को राजगढ़ के किले में उनका राजतिलक हुआ था। एक शासक के तौर पर उन्होंने बहुत सुधार किए। संयोग से शिवाजी महाराज के वंशज यहाँ राजपथ पर मौजूद हैं। स्थानीय संस्कृति की झलक इस झांकी में अब राजपथ पर। This is the tableau from Chhattisgarh, Ramgarh's ancient amphitheater, dating back to 300 BC. राजपथ पर सलामी मंच एंड फ्रॉम छत्तीसगढ़ ऑन टू गॉड्स ओन कंट्री द टैब्लू फ्रॉम केरला रे थीम केट्टू कायाचा पर रंगों की छठा बिखेरती झांकियां अलग अलग राज्यों से अब बारी असम की जहां पर झांकी में मुखौटे को आधार बनाया गया
Ravana. Niste jano, mohura hava birao hiva mandale, aori nahi. Jani, jani ibar havo, vishwab kalagi, shallaho, shallaho. भारत का सांस्कृतिक वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर राजपथ पर उपस्थित होता हुआ अगली झांकी उत्कंठा से जिसका इंतजार पंजाब राज्य की यह झांकी संगत और पंगत का एक रचनात्मक चित्रण है प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी द्वारा प्रारंभ की गई श्रद्धा और समाज सेवा की यह अनूठी पद्धति है Himachal Pradesh, a presentation of the Kai Monastery, which is in the Spiti Valley, and it's over 1,000 years old. The Buddha in meditation, the stupas and monks. दृश्य परेड के अलग अलग स्थानों से इस समय ये दृश्य आईटीओ से और परेड का गंतव्य स्थल लाल किला है द स्टेट ऑफ मणिपुर द स्टोरी ऑफ कंबा एंड थोइबी शताब्दी और गांधी जी पर केंद्रित है वर्ष 2017 में साबरमती आश्रम की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए गांधी जी ने इसकी स्थापना की और यहां वर्षों तक रहे यहीं से सन 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत निंदा ना करे के नहीं
दृश्य ITO से। परेड अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ती हुई और इधर राजपथ पर ITBP की झांकी। सन 1962 में इस बल का गठन किया गया। India's diversity, India's dynamism on the move here at Rajpath. And this is the tableau from the Ministry of Tribal Affairs, Uchit Dam, Hak Se Maang. Today in the morning, and this is the tableau from the Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India, to promote awareness about the flagship program of the Department of Sports, Government of India. राजपथ पर आगे बढ़ रही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल को दर्शाती है। नए दौर के हो किसान तुम, खेती के नए गुण तुम अपनाओ। उन्नत खेती का ये दौर है, तुम भी इसका लाभ उठाओ। मिश्रित खेती खुशियों की खेती, मिश्रित खेती खुशियों की खेती। नई तकनीक और उन्नत खेती, दुगनी आमदनी का लाभ उठाओ। जय किसान, जय विज्ञान, जय किसान, जय
राजपथ पर अगली झांकी आयकर विभाग से, जिसमें स्वच्छ धन अभियान को प्रदर्शित किया गया है। आओ बढ़े हम आगे अपने देश के साथ, ईमानदारी से भरे अपना आयकर आज। WD presentation, an ethereal creation of fresh flowers, fragrance and artistry. The celebration of Deepavali, symbolic of the victory of light over darkness, good over evil, knowledge over ignorance and hope over despair. Ready to applaud our young winners of the National Bravery Awards. 18 children, including 7 girls and 11 boys, have been selected for the National Bravery Awards 2017. 3 of the awards have been given posthumously. The recipient of the Bharat Award, Kumari Nazia from Uttar Pradesh. The Geeta Chopra Award for Kumari Netravati M. Chabhan from Karnataka, posthumous, and the Sanjay Chopra Award for Master Karanbir Singh, Punjab. And all the winners and recipients of the Bapu Gayadhani Awards. An inspiration for everyone watching these young, very young braves, awarded for their grit, valor, and sacrifice, with the National Bravery Awards presented to them by Prime Minister Modi day before yesterday. Each of these children have shown such outstanding bravery and fearlessness. सर्वोदय कन्या विद्यालय जहांगीरपुरी की 155 छात्राएं प्रस्तुत कर रही हैं स्वागत गीत।
children now bringing energy, dynamism and movement to Rajpath. And now commemorating the 25th anniversary of the ASEAN-India Dialogue Partnership, 150 dynamic and charismatic students of Mount Abu Public School, Rohini, presenting a scintillating and vibrant dance performance on the theme, One Vision, One Identity and One Community. रंगों की छठा बिखर रही है, सांस्कृतिक वैभव का अनूठा प्रदर्शन देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगली कड़ी दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की। बरेदी लोक नृत्य, जो कि बुंदेलखंड अंचल का चरवाहा संस्कृति का अति लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर युवावस्था तक का वर्णन नृत्य के माध्यम से किया जाता है। Thank you.
youthful fervor, gaiety, and an enthusiasm so palpable. These very talented young groups with a presentation now of the Sangrai Mog Dance by the young from the Northeast Zone Cultural Center, Dimapur. This is performed by the Mog tribal community on the occasion of the Sangrai Festival during the month of Chaitra, which is the last month of the Bengali calendar year. Sangrei, sangrei, o ma sangrei, o sangrei ra ko krocho ba me, sangrei ra ma pyoge milo. Sangrei, sangrei, o sangrei. शिक्षा हमारी पहचान है, हम भारत की शान है। ऑक्सफोर्ड फाउंडेशन स्कूल नजफगढ़ के 155 छात्र छात्राएं असीम उत्साह और उल्लास के साथ बताने आ रहे हैं कि कैसे शिक्षा भारत को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। घर घर में शिक्षा का दीप जले, अब यही हमारा पैगाम है। और सजल समाज की हस्ती है भारत, इस जग का विश्व
creativity, song, dance, and youthful dynamism, leaving such an indelible impression on Rajpath and being applauded by everyone here. And now watch out for some amazing formations, skills, and expertise, and they'll be gone by in a flash when they begin. The BSF motorcycle team, Seema Bhavani. The BSF motorcycle team is led by Sub-Inspector Stanzing Noryang, and the team comprises 106 riders on 26 motorcycles. And they've gained expertise in motorcycle riding in a very short span of time, which speaks volumes of their grit and determination. The crowds on either side will soon be cheering and clapping again and be left awestruck, because any moment now we'll have the first glimpses. And here is Sub-Inspector Stanzing Noryang. A salute to the President. रोमांच को नई परिभाषा देते हुए फिश राइडिंग फॉर्मेशन एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बीएसएफ की जवान महिला आरक्षक बॉबी राभा साथ दे रही हैं महिला आरक्षक सुमन सूत्रधार साइड राइडिंग लेडी कांस्टेबल कुमुदनी टोपो सीन बैलेंसिंग हरसेल्फ ऑन हर मोटरसाइकिल विद हर लैपटॉप एंड कम्युनिकेशन सेटअप डिस्प्लेइंग द डिजिटल इंडिया मैसेज औलाद भरा है सीने में हथेलियों पर जान नारी कोमल हृदय है पर है शक्ति की पहचान महिला आरक्षक सुमिता सिकदर और सरस्वती लामा प्रचंड पाले शक्तिमान The team of women motorcycle riders led by lady constables Ranjana Taram and Pushpa Yadav. पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनते हुए सीमा सुरक्षा बल की ये जवान फोर हार्मोनी अद्भुत संतुलन के साथ शांति और आपसी भाईचारे का संदेश और अब मोबाइल पीटी महिला आरक्षक हंसा डिनवानी Bull fighting. Lady Constables Reshu Balian and Baljeet Kaur finally balancing themselves on a single motorcycle in a bull fighting pose. आपसी सहयोग और आत्मविश्वास के साथ एक मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ते हुए छह सीमा भवानी हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की फॉर्मेशन में अद्भुत संतुलन का नमूना पेश करते हुए सप्तऋषि डिस्प्लेइंग अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस द फॉर्मेशन लेड बाय लेडी कांस्टेबल राजपाल कौर और अब पांच मोटरसाइकिल पर 30 जांबाज सीमा भवानी पांच कमल के फूलों का गुलदस्ता लेकर आ रही हैं आगे बढ़ रही हैं महिला आरक्षक विजेता भालेराव भाग्यश्री शोभना चौधरी मनदीप कौर और आरती पैंकरा This is the windmill formation. Seven motorcycle riders on a single motorcycle, led by Lady Constable Ravinder Kaur. एक मोटरसाइकिल पर आठ वीरांगनाएं अत्याधुनिक हथियारों से लैस जाहिर करती हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा मुस्तैदी से की जा रही है भारत के मुस्तैद प्रहरी चार मुस्तैद प्रहरी देश की हिफाजत करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रदर्शन करते हैं सरहद के निगहबान Four Seema Bhavanis on a single motorcycle, showcasing the strict vigil by the border personnel at the borders. The formation led by Lady Constable Anita Rana. और अब सात motorcycles पर 29 Seema Bhavani वीरांगनाओं के साथ पर्वत श्रृंखला के समान आगे बढ़ते हुए formation का नेतृत्व sub inspector R P Khichi. पर तुम्हें कभी पीछे हटते देखा न किसी ने एक बार तुम पर
excellence, total concentration and absolutely brilliant discipline, the BSF women's motorcycle team. Absolutely gravity-defying feats on land. And one can never seem to get enough. अद्भुत दृश्य इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर और ये इस समारोह में संचार को नियंत्रित करने वाली वन एयर फॉर्मेशन सिंगल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम इस वर्ष कमान संभाली है कर्नल पीपी विश्वास ने. ये रेजिमेंट वायुसेना के साथ इस समारोह में फ्लाईपास कंट्रोल के लिए कम्युनिकेशन उपलब्ध करा रही है. And from gravity-defying feats on land to gravity-defying feats in the air. And if you've loved every minute of what you've witnessed today, it's okay to say, you dil mange more. And here we are. You can see up in the sky, the beginning of the flypast. We just gave you a glimpse of it, which is absolutely stupendous. Please hold your breath, because as your eyes turn skywards, we have the Rudra formation, the ALH-MK4 WSI, Wing Commander Abhishek Shukla commanding 116 helicopter unit, 180 kilometers per hour. The captains of the other two helicopters, Wing Commander Ekul Karni and Wing Commander Vita Pishnoi. In fact, historically, flypasts have a special affinity with parades, and from their aerial component, and the flypasts here at Republic Day Parade have a way of imprinting themselves on a nation's memory. They are, in fact, a form of an aerial salute, and they show respect, display aircraft, and showcase flying skills as a form of entertainment to delight the public. And we can see they are doing exactly that. विक्ट्री आकृति के साथ हर्क्यूलिस फॉर्मेशन तीन C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान 300 मीटर की ऊंचाई पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन एस गोपी मोहन ने विंग कमांडर मनदीप चहल और विंग कमांडर शिशिर सुकांत अन्य विमानों की कमान संभाले हुए. As heads turn skywards and the gaze searches for that glimmer of silver, a message goes out to the future. We see you and we are preparing to meet you. विमान अलग अलग दिशाओं और एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुंचे हैं. गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण फ्लाईपास्ट. So it's a lovely January morning, the diffused glow of a chilly January morning, witnessing along with thousands present here, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and machine, redefining the sky space of the moment. And there we can see the Netra formation, eye in the sky, an airborne early warning and control system aircraft, flown by Group Captain Pradeep Patra. Children, of course, very excited. कुछ ही देर में ग्लो फॉर्मेशन जिनमें एक C-17 ग्लो मास्टर और दो सुखोई 30 विमान होंगे. C-17 ग्लो मास्टर विमान को 2014 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया. इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन के राम राव संभाल रहे हैं. AC-30 विमानों की कमान विंग कमांडर प्रीतम संतरा और ग्रुप कैप्टन उदयन कुमार रोशन के हाथों. 500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be an extension of them as they take wing and vanish into the blue.
as slowly as heartbeats are increasing, we await the next formation. Ladies and gentlemen, do get up for a faster move, and it's time for the fighter flypast. Three Tejas light combat aircraft. The next formation is going to be the Tejas formation. It's also a WIC formation of LCA aircraft at a height of 300 meters and a speed of 780 kilometers per hour. Tejas is an indigenization combat-ready fighter aircraft developed and manufactured in India. And there you are. Lightweight, supersonic, multi-role, single east fighter, state-of-the-art technology of the Indian Air Force. Inducted into the 45th Squadron of the Indian Air Force, the Flying Daggers. It was led by Group Captain Madhav Rangachari, flying in formation with Wing Commander S. Dhankar and Wing Commander M. Dawani. पांच जैगुआर विमान एरोहेड फॉर्मेशन में कमान संभाली है विंग कमांडर पारिजात सौरभ ने उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर एस के दाश विंग कमांडर एन के सिंह स्क्वाड्रन लीडर डी गिल और विंग कमांडर के भरत 780 किलोमीटर की रफ्तार से पलक झपकते ही ओझल हो गए आकाश प्रहरी And now, the next one, Fulcrum, following the Jaguars, five MiG-29 upgrade air superiority fighters in arrowhead formation. In fact, they've been recently upgraded and have become extremely potent air-to-air as well as air-to-ground weapon platforms. Formation will be led by Group Captain Tushar Vaidya. Streaking across the sky. Fulcrum. The other members of the formation are Wing Commander Ankur Mathur, Wing Commander C. Suresh, Wing Commander Parijat Jha, and Wing Commander A. Hakim. Fulcrum formation ke baad Sukhoi formation, Group Captain Prashant Agnihotri ki command mein, 3 Sukhoi 30 MKI Viman, Trishul formation mein honge, Salami Manch ke nikat aate hi ye tino alag alag dishaon mein mudkar Trishul ki rachna karenge. विंग कमांडर अमित शर्मा और विंग कमांडर टी शानुखा अन्य विमानों में उड़ान भर रहे हैं सुखोई Everybody holding their breath for the last flanker, an aerobatic maneuver in which the aircraft will do a high-speed run at a low level, pull up into a vertical climb and perform quick rolls to one side. And Group Captain Harpreet Luthra. Keep your eyes fixed on your screen. The motto of the Indian Air Force, Navasparsham Deeptam. Touching the sky with glory, and that's exactly what they're doing. Excitement galore at the Republic Day Parade. Right now, there is speed, there is pulse racing daring, and of course, there is precision. All thanks to these magnificent men in their flying machines. Romanch ne akash chua aur hamare akash ke prahari utsav aur ullas ki umangon ko upar, bahut upar le gaye. Pura jansamu, mehman, ganyamani vyakti, sabhi aashchary chakit hain. Our 69th Republic Day celebrations here on Rajpath now drawing to a close. Rajpath is spellbound, still reverberating with sounds in the skies above, sights breathtaking and awesome. The Indian Air Force symbolizing the heights that every nation strives to achieve. Progress, development, peace, brotherhood,
and a prosperous future for all its citizens. A significant historical event with the presence of 10 leaders of ASEAN nations as our very honored and revered chief guests. 69वां गणतंत्र दिवस नई उमंगे नया उल्लास नए संकल्प नई उम्मीदों के साथ देश आज एक नई शुरुआत कर रहा है गणतंत्र दिवस का उत्सव परेड झांकियों सांस्कृतिक कार्यक्रम और हैरत अंगेज कारनामों से एक यादगार अनुभव बन गया ऐसी धूमधाम और ऐसा आयोजन इस राष्ट्रीय पर्व की खूबी भी है और खूबसूरती भी In a young India pulsating with the dynamism of youth power, we all hope for a tomorrow which brings prosperity and peace to all. We look forward to a new India, a country in fast forward mode on the road to development, modernity, and the fruition of dreams and ambitions. In a short while from now, the President's bodyguard would reassemble in front of the saloon there. The President's bodyguard has seen action at Trishul in 1962. With every nation wanting to bring peace, prosperity and progress to its people, leaders from across the ASEAN nations join India as she celebrates her 69th Republic Day today. In fact, the coming together of these leaders is another acknowledgement of how collectives contribute to the growth of individual nations. And as we come towards the conclusion of today's parade, the sun also seems to have climbed a little higher and cleared the air, as if seeking a better view. इस महान देश का शानदार गणतंत्र दिवस समारोह इतिहास को समृद्ध करता हुआ और उसमें दर्ज होता हुआ Shortly, there'll be the national salute, the president's bodyguard now back to escort the president of India back to Rashtrapati Bhavan. The commandant president's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. Greeting the dignitaries here. There will be slowly the departure of all the dignitaries. And there we can see the pale blue of the sky welcoming into its embrace hundreds of balloons in the colors of our national flag. And as the shades of freedom take wings, they carry with them the aspirations of over 1.2 billion Indians for a better world, a beautiful renewal, and a brighter future for all. And what a display it's been here today. Visual delight, spirit-lifting, patriotic fervor, and of course, a poignant and gentle reminder of sacrifice and valor. We were very privileged to have with us today the presence of 10 ASEAN leaders as chief guests for this year's Republic Day parade.
the Prime Minister escorting the President from this beautifully decorated dais. And this is the parade as it makes its way from Delhi Gate. We specially positioned cameras to give you a better feel and experience of the parade this year, and this is from one of our specially placed cameras. So it's been a day of celebration, a day of joy, and a day of understanding that through centuries of existence, the all-embracing nature of Indian civilization has warmly nurtured religious and social diversity. And today, this picture-perfect setting of New Delhi's Rajpath has played host to a very special glimpse of a miniature, vibrant, secular and multicultural India. राष्ट्रपति भवन की ओर सपनों को अब समेटा है हमने सपने अब खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें हकीकत में तब्दील होने का यकीन है माननीय राष्ट्रपति जी प्रस्थान कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने विदा देते हुए श्री रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस राष्ट्रपति अब अपने 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ से सलामी मंच के सामने से विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग दैट फॉर एनी नेशनल सेलिब्रेशन टू हैव ट्रू मीनिंग इट्स रीजंस नीड टू बी लिव्ड कलेक्टिवली द इंजन्स ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड द पीपल ऑफ इंडिया आर इट्स ड्राइविंग फोर्स We are grateful for honored guests, Chief Guest, His Majesty Sultan Haji Hasna Bonke of Brunei, Chief Guest, His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, Chief Guest, President Rodrigo Noah, the Deputy President of the Republic of Indonesia. And now, in a short while from now, the Prime Minister will bid adieu to our special Chief Guests. And this is again a view of the parade skirting Delhi Gate. गणतंत्र दिवस की भव्य परेड के मार्चिंग दस्ते इस समय दिल्ली गेट से आगे बढ़ते हुए अपने गंतव्य स्थल लाल किले की ओर परेड का पूरा मार्ग लगभग 8 किलोमीटर का है और परेड के पूरे मार्ग में दोनों ओर अपार जनसमूह सो दिस इज अ टैब्लो गोइंग पास्ट ITO As you can see, the energy, the rhythm, the lyricism, all still very much there in the movements. And of course, the people gathered there to watch them. Rajpath se lekar Lal Kile tak, parade marg mein Ganatantra Divas samaroh ki hi dhoom hai. And that's what collective celebrations are all about. When a nation comes together, ensuring that our differences enrich us and our collectives unite us. The Vice President of India,
Sri Venkaiah Naidu will shortly be seen off. And now we bid adieu to the Prime Minister of Brunei Darussalam, His Majesty Sultan Haji Hassan Al Bolkiah. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, now waiting for his vehicle to arrive, as the Vice President, Sri M. Venkaiah Naidu, and Prime Minister Narendra Modi, with gratitude, say goodbye to them. His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. से जहां से परेड गुजर रही है पहली बार परेड मार्ग के भी दृश्य टेलीविजन स्क्रीन पर और ये दृश्य दरियागंज से उधर राजपथ पर फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोड्रिगो रुआ दुतेर्ते राजपथ से प्रस्थान कर रहे हैं एक एक करके हमारे माननीय अतिथि सलामी मंच के सामने से अब विदा होते हुए कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम समदेक तेजो हुनसेन प्रस्थान कर रहे हैं मधुर स्मृतियों को संजोकर विदा ले रहे हैं हमारे मेहमान Our chief guests, all our excellencies, will, I'm sure, take back with them many a memorable moment and common cultural vignettes of the parade. A farewell now for His Excellency Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore. We thank their excellencies for their gracious presence at our Republic Day Parade. The Vice President of India and the Prime Minister now seeing them off. His Excellency Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, the Prime Minister of Malaysia, now leaving Rajpath. भारत आसियान संबंधों में 69वें गणतंत्र दिवस को एक मील का पत्थर कहा जा सकता है जब 10 राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में भाग लिया हमारे सम्मानित अतिथि थाईलैंड अधिराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम जनरल प्रायो चानोचा अब विदा ले रहे हैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हें विदा देते हुए अविस्मरणीय अवसर भारत के लिए और सभी आसियान राष्ट्रों के लिए गणतंत्र दिवस की परेड दरियागंज से गुजरती हुई अलग अलग मार्चिंग दस्ते अपार जन समूह इस परेड का अवलोकन करने के लिए उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय म्यांमार के स्टेट काउंसलर महामहिम आंग सान सूची को विदा देते हुए जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया हमारे राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनकर Thank you.
परेड दरियागंज से एक के बाद एक अनुशासित अंदाज में मार्चिंग दस्ते आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू बिडिंग गुड बाय टू हिज एक्सीलेंसी Nguyen Xuan Phuc, the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. This is a view of the parade as the contingents march past Delhi Gate. And now we say goodbye to His Excellency Dr. Thong Luan Sisal Lu, the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. So it's truly a very wondrous moment for all those who are viewing the parade here at Delhi Gate, because they will really see the parade pass up close, very close to them. And this is what memories are made of. The Prime Minister bidding farewell to the Vice President. In fact, ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leave us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. Whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. And that's the power of a nation. Umang, romance, aur rangon se khile ye kshan, rashtra gaurav ki bhavna ko aur mazboot karte hue. गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार और भव्य समापन हो रहा है. राष्ट्र प्रेम से पूरा वातावरण सराबोर है. प्रधानमंत्री इस समय राजपथ पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जिधर रुख करते हैं उधर एक रोमांच और जोश छा जाता है दर्शकों में. A very excited audience, a lot of them young children also. Very happy. In fact, this is a memorable moment for them as the Prime Minister, instead of leaving the venue directly, is walking down to greet the people. India is not just a nation state. It has always stood out as an example of making the impossible seem possible. Tradition, philosophy, technology, reality, they all come together, and we've seen them coexist today. They've co-flowered with a seeming randomness, but of course always a larger design. And this, of course, I'm sure is not designed. As the Prime Minister walks down impromptu, and the crowd absolutely loving it. कुछ वर्ष पहले तक ऐसे दृश्यों की कल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राजपथ पर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इधर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का काफिला राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करता हुआ, उसके मुख्य द्वार से आगे बढ़ता हुआ.
And this is the entry to the forecourt of Rashtrapati Bhavan from the iron filigree gates. And here we have again the parade. There you can see drish. दोनों ओर जनसमूह उत्साह के साथ परेड की एक एक टुकड़ी को देखते हुए राजपथ से लेकर लाल किले तक पूरे परेड मार्ग में जनसमूह So the day which started on a slightly misty and a chilly note seems to have gathered warmth in more ways than one, not only with the sun sending out its beautiful tentacles of warmth to warm the bones of the people around here, but also the warmth of celebration, the warmth of greeting, the warmth of seeing their leaders. And now Pradhan Mantri yahan Rajpath se vida hote huye ek behad yadgar गणतंत्र दिवस समारोह के भव्य आयोजन की यादें अब हम सब की धरोहर हैं। इस गौरवशाली देश के गणतंत्र दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं। जय हिंद।